हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी हाई रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास ढेर से ऐसे कमेंट आ रहे थे कि मैम, जो है सर्दियां आ गई हैं, तो आप हमें कोई अच्छा सा तरीका बता दीजिए जिससे हमारे चेहरे के दाग धब्बे खत्म हो, हमारा चेहरा साफ हो और साथ साथ हमारा चेहरा चमके, बिल्कुल हमारा फेस गोरा हो जाए एकदम। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छा नेचुरल एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिसको आप अप्लाई करेंगे ना, आपका चेहरा जो है, आपका रंग साफ होगा, सावली त्वचा जो है आपकी क्लीन होगी। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन है या फिर जो है दाग धब्बे हैं या फिर जो है मैल धूल गंदगी जो जमा हो जाती है ना, इस रेमेडी को अपनाने के बाद बिल्कुल आपका चेहरा क्लीन हो जाएगा, आपके दाग धब्बे भी हल्के पड़ते जाएंगे, साथ साथ सबसे ज़रूरी आपका चेहरा दिन ब दिन गोरा होता जाएगा, चेहरे पर चमक आएगी और सर्दियों में आपका चेहरा मॉइस्चर भी रहेगा, आपकी स्किन सूखी सूखी भी नहीं लगेगी क्योंकि ऑलरेडी ही आपका फेस जो है आपके फेस को प्रॉपर मॉइस्चर मिलेगा इस रेमेडी के बाद। तो आइए देख लेते हैं क्या हम हमारे चेहरे पे सर्दियों में इस्तेमाल करें जिससे कि हमारी स्किन इन सर्दियों काली पड़ने की बजाय गोरी और चमकदार बने। तो दोस्तों ये नुस्खा बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिएगा कच्चा दूध। आपको दूध कच्चा लेना है, उबला हुआ दूध आपने नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है कच्चा दूध। दूसरी चीज़ जो हमको इसमें ऐड करनी है वो हमको लेना है हल्दी। आपको एक चुटकी के हिसाब से इसमें हल्दी डाल लेनी है और इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। आपकी स्किन चाहे कितनी भी ख़राब हो, कितना भी ख़राब आपका चेहरा हो, उसको आप कर लीजिए, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपका चेहरा एकदम गोरा और चमकने लगेगा। एक बार में ही आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो ये कहते हैं ना, हमने कभी अपने फेस पे कुछ भी नहीं कराया, वो भी इसको अप्लाई करेंगे ना, उनकी स्किन भी एकदम ब्लश करने लगेगी और चेहरा साफ हो जाएगा, धूल मैल गंदगी निकल जाएगी। हमें इसको अप्लाई कैसे करना है, एक आपने लेना है कॉटन बॉल, इसको इसमें डिप करना है। आप इसको किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सुबह में या शाम को किस टाइम करना है, जब भी आपको वक्त लगे आपने इसको यूज़ कर लेना है। सबसे पहले आप जो है मिल्क को अपने पूरे फेस पे लगाएंगे इस तरह से। तो अच्छे से मिल्क को लगाने के बाद थोड़ा सा दूध आपको अपने हाथों में भी लेना है और अपने हाथों में इस तरह से रॉ मिल्क लेने के बाद आपको अपने फेस को अच्छे से इससे क्लीन करना है इस तरह से। और आपको ये करना कब तक है, ये जो दूध आपने लगाया है ना, ये थोड़ी देर आप मसाज करते रहेंगे तो उसके बाद सूखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये सूखेगा इसकी लेयर्स ही आपके चेहरे से निकलती जाएगी वापस से। इसके सूखने के बाद आपको दूध लेना है अपने हाथों पे इस तरह से डिप करते हुए और आपको अपने फेस पे वापस से इस तरह से मसाज करनी है। ये आपके चेहरे की धूल मैल गंदगी डस्ट डेड स्किन हर चीज़ को निकाल देगा और आपका चेहरा एकदम गोरा और चमकदार बनेगा, साथ साथ आपके चेहरे के डार्क स्पॉट्स भी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और सर्दियों के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि क्या होता है, दूध हमें प्रॉपर मॉइस्चर भी देगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये रेमेडी रहने वाला है। बाकी आपकी कोई भी स्किन टाइप है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको यूज़ कर लेना है। हमें इसको कम से कम 20 मिनट तो अपने चेहरे पे अप्लाई करना ही है। 20 मिनट बाद आप इसको अपने चेहरे पे ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें और जब आपको और 10 मिनट हो जाए तो उसके बाद आप नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो लेंगे। बस ये होगा इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका। तो अभी मैं इसको 10 मिनट अपने चेहरे पर छोड़ के इसको वॉश करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, चेहरा मेरा मैंने पानी से धो लिया और आप देख सकते हो कैसे मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है। इसको लगाने के बाद जो डेड स्किन और जो धूल मैल गंदगी दिख रहा था सारा बिल्कुल निकल गया है और चेहरा एकदम साफ हो गया है। तो इस तरीके से सेम आपको भी ये रेमेडी अप्लाई कर लेनी है और आपके चेहरे को बहुत ही अच्छा गोरा और चमकदार बना लेना है। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ साथ आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी बहने, आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपके भाई सब इसको जो है अप्लाई कर पाएं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। और हाँ, इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है इंडियन सुपर मोम, जो कि सेम मेरे चैनल का भी नाम है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।